बिहार के सियासी गलियारे से जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा तेजी है। चर्चा के बीच सवाल पूछे जाने पर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का प्लान ही आउट कर दिया। आरसीपी सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार यह सब क्यों करना चाहते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विलय की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जब विलय हो जाएगा तो जनता परिवार बढ़ जाएगा, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। आरसीपी सिंह ने अपना यह बयान ट्वीट पर शेयर किया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि यह जान लीजिए कि यह उनका पूरा का पूरा ख्याली पुलाव है, जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने उसने व्यक्ति हैं उस सब व्यक्तिवाद सोच के हैं। समाजवादियों के साथ सबसे बड़ी समस्या का क्या होती है कि वे सब लोग व्यक्तिवादित होते हैं, संगठन पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। इसलिए विलय ये सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि जिसे लोग कहे कि भाई जिस पार्टी की ये है वहां पर इतने सांसद है। बुधवार को जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बात की, उनसे सवाल किया गया कि इस पर बिहार के जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया कि पार्टी से कहीं भी इस पर चर्चा नहीं है। अगर इस सुनी सुनाई बात पर यह सवाल है तो मैं यही कहूंगा कि यह जेडीयू के लिए पूरे तौर पर आत्मघाती बात होगी, जनता दलियों के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। विलय की बात जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये देखिए विलय की बात क्यों कर रहे हैं। विलय की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जब विलय हो जाएगा तो जनता परिवार बढ़ जाएगा, तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन ये समझिए उनका पूरा का पूरा ख्याली पड़ा कि जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने उसमें व्यक्ति है सब व्यक्तिवाद सोच रहे हैं। देखिए समाजवादियों के साथ समस्या क्या होती है, वो सब लोग अपने व्यक्तिवाद ही होते हैं, संगठन का किसी का ध्यान नहीं रहता। इसलिए विलय ये सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि भाई जिससे लोग कहे कि जिस पार्टी के हैं तो वहां पर इतने सांसद हैं। मैंने बता दिया कि भाई इनकी स्थिति बहुत खराब है और जनता दलियों जिस प्रकार से है, अगर ये रहेगा तो कोई भी एमएलए जीतने वाला नहीं।